गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो भैया, अपने हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास चल रही थी और उसमें अपना जो पिछला वीडियो था उसमें अपने बात की थी बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। यहां तक का मैटर अपने क्लियर हो चुका है। अब अपने आगे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने मुस्लिम लीग की। तो देखो, इसमें अपने बात करेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, किसने की, क्योंकि इसके उद्देश्य क्या थे। तो स्टार्ट करते हैं अपने मुस्लिम लीग। देखो ये टॉपिक जो है, अब अपने इतिहास में जितने भी टॉपिक पढ़ रहे हैं ये आपके हर क्लास में इम्पोर्टेंट है। आपके लिए हर क्लास में, चाहे वो दसवीं हो, चाहे बारहवीं हो, चाहे बीए हो, चाहे एमए हो, चाहे आप कोई टीचर के एग्जाम दे रहे हो, कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, अब जितने भी टॉपिक अपने आएंगे, मुस्लिम लीग है, कांग्रेस के अधिवेशन है, लाल बाल पाल है, जो भी टॉपिक अब अपने आगे पढ़ेंगे वो आपके हर एग्जाम में आपके लिए मददगार साबित होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना। देखो भैया, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी अपने मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1906 को। क्लियर है, 30 दिसंबर 1906 को इसकी स्थापना हुई थी। और स्थापना कहां पर हुई थी? ढाका में हुई थी। बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका, वहां पर इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और स्थापना किसने की? अपने बंगाल का एक नवाब था जिसका नाम था सलीमुल्ला खान। बंगाल के नवाब सलीमुल्ला खान ने इनकी मुस्लिम लीग की क्या की थी? स्थापना की थी। देखो, जैसे नाम से स्पष्ट है, मुस्लिम लीग अर्थात ये मुस्लिम संप्रदाय के लोगों का क्या था? एक संगठन था। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो आता है कि इस मुस्लिम लीग का प्रथम संस्थापक अध्यक्ष कौन था। देखो अध्यक्ष के ऊपर ही तीन चार क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन तो पूछते हैं प्रथम संस्थापक अध्यक्ष कौन था, तो सलीमुल्ला खान जो है वही प्रथम संस्थापक अध्यक्ष थे। ध्यान रखना, आपके बारहवीं की बुक में थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें। प्रथम संस्थापक अध्यक्ष पूछ ले तो सलीमुल्ला खान ही थे। अगर आपको पूछ ले कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अध्यक्ष का नाम आ जाए तो वो थे अपने वकार उल मुल्क मुश्ताक। प्रथम अध्यक्ष की बात आ जाए तो वो थे अपने वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। देखो दो चीजें ध्यान रखना, प्रथम संस्थापक अध्यक्ष, संस्थापक अगर पूछता है तो सलीमुल्ला खान, और प्रथम अध्यक्ष पूछता है तो वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। तीसरा क्वेश्चन आता है मुस्लिम लीग के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो स्थायी अध्यक्ष बने थे इसके सर आगा खान। देखो इन्हीं के प्रयासों से, अपने बात करें सर आगा खान जो है, इन्हीं के प्रयासों से मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। क्यों? क्योंकि यही जो है वो शिमला में एक शिष्टमंडल के द्वारा अपने भारतीय गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड मिंटो द्वितीय, उनसे इन्होंने इस संगठन की स्थापना के बारे में चर्चा की थी। तो एक प्रकार से अगर सर ये देना चाहे तो स्थायी अध्यक्ष जो सर आगा खान है, उन्हीं को अपने मुस्लिम लीग के गठन की या मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। यहां तक क्लियर है। फिर क्वेश्चन आता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत के जीजी कौन थे। जीजी का मतलब गवर्नर जनरल, तो गवर्नर जनरल थे भैया अपने लॉर्ड मिंटो। धारणा मिंटो भी दो गए हैं, ये थे कौन से थे? अपने लॉर्ड मिंटो द्वितीय। एक था लॉर्ड मिंटो फर्स्ट, ये कौन सा है? अपने द्वितीय। मिंटो वो था जिसने रणजीत सिंह के साथ में अमृतसर की संधि की थी, वो था मिंटो फर्स्ट, और ये है लॉर्ड मिंटो सेकंड। यहां तक की बात क्लियर है। अब बात करते हैं कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी उस स्थापना के उद्देश्य क्या थे, मतलब ऐसे क्या कारण थे जिनकी वजह से मुस्लिम लीग का गठन किया गया। तो देखो उद्देश्य में अपने कह सकते हैं, पहला उद्देश्य था कि मुस्लिम संप्रदाय के जो लोग हैं वो किनका सहयोग प्राप्त करना चाहते थे? अंग्रेजों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। मतलब अंग्रेजों को एक प्रकार से अंग्रेजों के प्रति सहानुभूति रखते, अंग्रेजों से सहयोग प्राप्त करना चाहते थे ताकि यह संप्रदाय आगे प्रगति कर सके। पहला उद्देश्य तो यह हो गया। दूसरा उद्देश्य, मुस्लिम संप्रदाय जो था वह अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति करना चाहता था।
इसीलिए उन्होंने अपना एक संगठन बनाया जिसे क्या नाम दिया गया, मुस्लिम लीग। तीसरा अपने उद्देश्य बता सकते हैं कि केंद्रीय प्रांतीय व स्थानीय संस्थाओं में मुसलमानों को उचित प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए भी इस संगठन की क्या की गई, स्थापना की गई। ये इसके प्रमुख उद्देश्य थे। अब देखो मुस्लिम लीग से जुड़ी हुई दो तीन क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं। सबसे पहली बात मुक्ति दिवस। देखो मुस्लिम लीग जो है, इस मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 22 दिसंबर 1939 को। देखो आपके पिछला वीडियो मैंने था पढ़ाया था बंगाल विभाजन, इस बंगाल विभाजन का इस मुस्लिम लीग ने समर्थन किया था। ध्यान रखना मुस्लिम लीग जो है, इस पार्टी ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था, अर्थात मुस्लिम लीग भी ये चाहती थी कि बंगाल का क्या हो जाए, विभाजन हो जाए। तो देखो इसी मुस्लिम लीग ने धीरे धीरे आगे जाके भारतीयों के साथ में या हिंदुओं के साथ में अपना एक प्रकार से द्वेष की भावना कायम कर ली, एक प्रकार से ईर्ष्या की भावना कायम कर ली, एक प्रकार से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य एक प्रकार से अंतक वैमनस्य बना रहा, अंतक संघर्ष बना रहा, और यही संघर्ष जो है वो भारत विभाजन में तब्दील हुआ। तो देखो मुक्ति दिवस इसी मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। मुक्ति दिवस के रूप में क्यों मनाया था, क्योंकि कांग्रेस की जो प्रांतीय सरकारें थी उन प्रांतीय सरकारों ने क्या दिया था, इस्तीफा दिया था। लगभग 8 सरकार थी जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस खुशी में कांग्रेस ने 22 दिसंबर 1939 को किस रूप में मनाया, मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। और 23 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने, जिनको अपने कायदे आजम कहकर पुकारा जाता है। महात्मा गांधी ने इनको कायदे आजम कहकर संबोधित किया था, मोहम्मद अली जिन्ना। तो 23 मार्च 1940 को लाहौर में अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग का। जिस प्रकार से अपने कांग्रेस के अधिवेशन होते हैं उसी प्रकार से मुस्लिम लीग के भी क्या हुए थे, अधिवेशन हुए थे। और उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। और इसी अधिवेशन में सबसे पहले कांग्रेस ने किस देश की मांग की, पाकिस्तान की मांग की। धारणा पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग ने कब की थी, 23 मार्च 1940 को। इसके अलावा 16 अगस्त 1940 को मुस्लिम सॉरी 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई या प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया। तो ये था भैया अपने मुस्लिम लीग। अगर इसमें आपके कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे पूछ सकते हो। हालांकि आपकी बुक में इतना नहीं है लेकिन फिर भी मैंने आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाने की कोशिश की है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, वो आता है अपने सूरत विभाजन। देखो भैया कांग्रेस अपने पढ़ चुके हैं, कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। एक स्कूल था सेठ गोकुल तेजपाल संस्कृत विद्यालय, वहां पर इसकी स्थापना हुई थी। और स्थापना के बाद में कांग्रेस के कई अधिवेशन हुए। उन अधिवेशनों में आगे जाके धीरे धीरे उदारवादी और उग्रवादी, देखो दो होते हैं, एक तो उदारवाद, एक तो थे अपने उदारवादी, और एक कौन थे, उग्रवादी। उदारवादी में मैं आपको बता चुका हूं, आपके फिरोज शाह मेहता है, अपने बदरुद्दीन तैयब जी है, अपने सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऐसे नेता तो थे मतलब जिनके विचार के थे उदार थे, वो तो कौन हो गए, उदारवादी। उग्रवादी जो उग्र सोच के थे, उग्र विचारों वाले, जो अनुनय विनय में विश्वास नहीं करते, प्रार्थना रिक्वेस्ट में किसी प्रकार का कोई विश्वास नहीं करते, वो थे अपने जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ये ऐसे नेता थे जिनको अपने क्या कहते हैं, उग्रवादी। तो देखो पहले था उदारवाद, फिर दूसरा दल बना अपने उग्रवाद। एक नया युग प्रारंभ हुआ उग्रवाद, इसका प्रारंभ कब से हुआ उसकी चर्चा अपने करते हैं। तो अपना टॉपिक है अगला सूरत विभाजन, या अपने इसको कह सकते हैं कि कांग्रेस का विभाजन, कांग्रेस का विभाजन। देखो संपूर्ण इतिहास में कांग्रेस का दो ही बार विभाजन हुआ है। पहली बार हुआ था इस अधिवेशन में जो 1907 में हुआ था, और दूसरी बार कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1918 में, जब उदारवादियों से अलग होकर सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने अपना एक नया दल बनाया था जिसका नाम रखा था अति उदारवादी दल।
क्लियर है इतनी बात। अब बात करते हैं भैया सूरत विभाजन क्या है। देखो थोड़ी सी अपने चर्चा कर लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये कुछ फेमस नेता थे अपने, कुछ माने हुए नेता थे। ये कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन है ना, ये कौन से नंबर का अधिवेशन था? अपने 23वें नंबर का अधिवेशन था। ध्यान रखना ये अधिवेशन होना डिसाइड हुआ था नागपुर में, कि ये 23वां अधिवेशन कांग्रेस का कहां पर होगा? नागपुर में होगा। और कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए हैं वो लगभग कब हुए हैं? दिसंबर में हुए, 1929 तक के अधिवेशन। 1929 तक कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए हैं वो दिसंबर में हुए हैं। तो ये कौन सा था? अपने दिसंबर 1907 में हुआ था ये अधिवेशन, और कौन से नंबर का था? 23वें नंबर का था। ध्यान रखना क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन उदारवादी और उग्रवादी के बीच में हो गया, तो क्रम पूछा था, क्रम कौन सा है? अपने 23वां। अब देखो ये सूरत में हुआ था अधिवेशन, ठीक है, लेकिन ये डिसाइड कहां पर हुआ था? नागपुर में हुआ था। और नागपुर किन का गढ़ था? अपने उग्रवादियों का गढ़ था, मतलब उग्रवादियों का वहां पर एक प्रकार से बोलबाला था। बाल गंगाधर तिलक का वहां पर एक प्रकार से रुतबा था, दबदबा था। तो फिरोज शाह मेहता और उदारवादी जो अन्य नेता थे वो बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, इस नागपुर अधिवेशन को ही कहां शिफ्ट कर दिया? सूरत में शिफ्ट कर दिया। मतलब पहले नागपुर में होना चाहता था, लेकिन उदारवादियों ने बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष न बन पाए, इसलिए इस अधिवेशन को कहां शिफ्ट किया? सूरत में शिफ्ट किया। लेकिन उग्रवादी जो थे इन्होंने ये कहा कि सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो कौन करेंगे? लाला लाजपत राय करेंगे। उग्रवादी चाहते थे किसको अध्यक्ष बनाना? लाला लाजपत राय को। और उदारवादी बनाना चाहते थे रास बिहारी बोस को, ठीक है। उग्रवादी किसको बनाना चाहते थे? लाला लाजपत राय को। और उदारवादी किसको बनाना चाहते थे? रास बिहारी बोस को। तो इन दोनों के मध्य इन अध्यक्ष को बनाने को लेकर उग्रवादी चाहते थे लाला लाजपत राय बने, उदारवादी चाहते थे रास बिहारी बोस बने। इस बात को लेकर उग्रवादियों और उदारवादियों के मध्य दिसंबर 1907 में हुए सूरत अधिवेशन के अंदर आपस में क्या हो गया? मनमुटाव हो गया, मतभेद हो गया। और ये मतभेद इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक प्रकार से जो पांडाल वहां पर लगा हुआ था वहां पर लोग एक दूसरे के ऊपर कुर्सियां फेंकने लगे, एक दूसरे को मारने पीटने लगे। और इसी मारपीट में एक जूता है, जूता जो है आपने चप्पल बोल दिया, जूता पे बोल दे, वो किसी ने फेंक कर फिरोज शाह मेहता के ऊपर मार दिया। फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इनके ऊपर किसी ने जूते फेंक कर मार दिए। इससे यह टकराव जो है वो और ज्यादा बढ़ गया। और इसी टकराव को अपने इतिहास में किस नाम से जानते हैं? सूरत विभाजन के नाम से जानते हैं। जो कांग्रेस जो थी या उदारवादी जो थे, उन उदारवादियों ने उग्रवादियों को कांग्रेस से क्या कर दिया? निष्कासित कर दिया, कांग्रेस से निकाल दिया। इसी को अपने इतिहास में सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने थे? बाद में रास बिहारी बोस बने थे। तो ये था भैया अपने सूरत विभाजन या कांग्रेस का विभाजन। यहां तक अपने क्लियर है? नेक्स्ट वीडियो में अपने बात करेंगे बाल गंगाधर तिलक, क्लियर है। देखो मैं 3-4 दिन से थोड़ी सी तबियत डाउन थी, इसलिए आपके पास ये वीडियो उपलब्ध नहीं हो पाए, लेकिन अब मेरी जहां तक कोशिश रहेगी कि आपको डेली एक एक वीडियो आपको उपलब्ध हो सके। ओके क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।